हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आप देख सकती हैं बहुत ही खूबसूरत से डॉग फ्लावर खिल रहे हैं। तो मैंने कहा आज इसकी ब्लूमिंग आपसे शेयर करती हूँ। बहुत ही प्यारी सी ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो मैंने इसके 4 पॉट बनाए हैं। अभी 2 पॉट में काफ़ी अच्छी सी ब्लूमिंग आई है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फ्लावर खिल रहे हैं। मैं पास से आपको दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत से होते हैं। अगर स्पाइक में अगर आप फ्लावर पसंद करते हैं एक स्पाइक फॉर्म में, तो इस तरह के फ्लावर आप लगा सकते हैं। इनमें ज़्यादा केयर नहीं करनी होती है। ये भी विंटर के बहुत ही खूबसूरत से नॉन केयरिंग सीजनल प्लांट होते हैं। और देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं। ये देखिए इसमें डार्क ये पिंक शेड है, ये आप देख सकते हैं लाइट शेड है। इसमें एक येलो शेड भी है, तो वो अभी खिला नहीं है, पर ये अभी 2 ही शेड के बहुत ही खूबसूरत से खिल रहे हैं। तो डॉग फ्लावर में भी आपको कई शेड मिल जाएंगे। तो मेरे पास इस समय डार्क पिंक खिला हुआ है, लाइट पिंक खिला हुआ है, थोड़ा सा ऑरेंज शेड का लुक लिए हुए वो खिला हुआ है, और एक येलो शेड है। तो 4 शेड मेरे पास थे, तो अभी येलो नहीं खिला हुआ है। तो 3 शेड तो खिल चुके हैं और 2 ही पॉट में काफ़ी अच्छी सी ब्लूमिंग आई हुई है। तो मैंने इसके अंदर इस पॉट काफ़ी बड़ा पॉट था ये, तो मैंने इसमें 4-4 प्लांट लगाए हैं और इसमें पिंचिंग करके काफ़ी मल्टी ब्रांचें बनाई हुई हैं। आप ये देख सकते हैं इससे काफ़ी अच्छी सी ब्लूमिंग आई हुई है। ये देसी वैरायटी के डॉग फ्लावर हैं। इसमें 2 वैरायटी आती है। हाइब्रिड वैरायटी आप लेंगे तो उसमें हाइट ज़्यादा नहीं होती। आप देख रहे हैं काफ़ी हाइट के हैं ये इस समय। और जो है जो होती है हाइब्रिड वैरायटी, उसमें हाइट बहुत कम होती है, बहुत छोटे छोटे से हाइट के होते हैं। और जो देसी वैरायटी होती है वो अच्छी खासी हाइट रहती है। तो आप इसे पॉट में भी लगा सकते हैं, और ज़मीन अगर आपके पास हो ज़मीन वाला गार्डन तो उसमें भी आप क्यारी में लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा लुक देता है। और अभी भी प्रॉपर वे में अच्छे से खिला नहीं, आप देख सकते कलियाँ पीछे हैं ये। तो स्टार्टिंग में ज़्यादा इसमें केयर नहीं करनी पड़ती है, आप बस पिंचिंग करके इसे मल्टी ब्रांचेस बना सकते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सीड बनते हैं। जब ये फ्लावर ओवर हो जाएगा तो अपने आप ही इसके अंदर सीड तैयार हो जाएंगे। बहुत महीन महीन से, जैसे कि चाय पत्ती होती है बिल्कुल उससे भी महीन सीड बनाता है ये ब्लैक ब्लैक करके। तो मैंने इसको सीड से ही ग्रो किए हैं। मैंने जब मैं फ़र्स्ट टाइम लाई थी और मुझे 4 साल हो चुके हैं, अभी तक मैं सीड से ही इसे लगा रही हूँ। तो इस बार भी मैंने इसे सीड से ग्रो किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा इसमें केयर नहीं करी है। और विंटर की जो पोरस सॉइल बनाई है, तो सॉइल का भी वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा। तो वही सॉइल मैंने दी है। 50% इसमें मैंने गार्डन सॉइल के साथ सैंड यूज़ किया है और प्लस 40% काउ डंग यूज़ किया है। तो एक अच्छा सा पोरस सॉइल मिक्सचर बना के इनको दिया है। तो गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास हो वो हिसाब से आप रेशो में डाल दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छे से रहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप इनको मंथ में 2 बार या 3 बार स्टार्टिंग में दीजिए, फ्लावरिंग के समय भी आप देते रहिए, तो बहुत अच्छे से ये कंटिन्यूसली ब्लूमिंग में बने रहेंगे। अभी आपको मई तक फ्लावरिंग देते रहते हैं आराम से। तो इसकी भी अच्छी खासी ब्लूमिंग मई तक चलती रहेगी, और उसके बाद इसमें सीड बनने शुरू हो जाएंगे। मई और अप्रैल में ही मैच्योर सीड बनेंगे, तभी आप इसमें से सीड कलेक्ट कर सकते हैं। सनलाइट की बात करते हैं तो इसको भी विंटर की सनलाइट अच्छी पसंद होती है। वैसे भी 1-1.5 घंटे की भी सनलाइट इसे मिल जाएगी तो भी ये अच्छे से ब्लूम पे आ जाएगा। पर जितनी अच्छी सनलाइट विंटर की प्लांट को मिल जाए, विंटर के सीजनल प्लांट को, तो उतना ही अच्छा है। तो ऐसे एरिया में रखें जहाँ पर अच्छी सनलाइट इसको मिल जाए। तो आप इसकी ब्यूटी देखिए, बहुत ही खूबसूरत से खिल रहे हैं। तो मैंने कहा आज आपसे शेयर करती हूँ इसकी ब्लूमिंग। वाटरिंग की बात करते हैं तो ये भी थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल पसंद करते हैं। इनको भी आप थोड़ा सा नमी रखें, ज़्यादा ओवर वाटरिंग मत कीजिए, पर अपर सॉइल ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए। उससे भी फ्लावर पेटल्स बहुत जल्दी कहते कि मुरझाते हैं। और इनकी भी फ्लावरिंग अच्छी स्टेबल रहती है। 3-4 दिन तक ये फ्लावर ऐसे ही खिलता रहेगा, पूरी ऊपर तक ये धीरे धीरे खिलता चला जाएगा, और नीचे से ये फ्लावर जो सबसे पहला फ्लावर खिलता है वो धीरे धीरे करके मुरझाता जाएगा। तो फ्लावर स्टेबिलिटी भी 3-4 दिन की अच्छी होती है इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ब्लूम कर रहा है। ज़्यादा कोई ख्याल नहीं रखना है इसके अंदर, बहुत ही नॉन केयरिंग प्लांट है। इतना ख्याल तो रखना ही चाहिए, तभी प्लांट बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करती हैं।
तो सनलाइट की बात हो गई, वाटरिंग की बात हो गई, सॉइल की बात हो गई, बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो इसे भी आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं मंथ में 2 बार या 3 बार। मैं इसे मस्टर्ड केक का ही फर्टिलाइज़र देती हूँ। मैं अपने विंटर के सारे प्लांट को मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र देती हूँ। आप पीछे ग्लाडिया का भी लुक देख सकते हैं। तो सारे विंटर के प्लांट को मैं मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र देती हूँ। आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आप उसको मंथ में 2 बार दे दीजिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा अच्छा, लिक्विड फर्टिलाइज़र अच्छी रहती है जो प्लांट बहुत जल्दी ग्रैप करते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, अगर शाम को देते हैं तो मॉर्निंग में आपके प्लांट बहुत ही अच्छे हेल्दी रिजल्ट नज़र आएंगे। तो ज़्यादा ख्याल नहीं रखना है, दोनों वैरायटी ही बहुत ही अच्छी होती हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैं तो हमेशा देसी वैरायटी लगाती हूँ क्योंकि तो इसके बीज मेरे पास काफ़ी बने हुए रखे हैं। मैं हर साल इनके बीज तैयार कर लेती हूँ तो वही मैं लगाती हूँ। आपको जो बीज अच्छे लगे आप वो लगा सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत से ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, चाहे तो पॉट में लगाइए, चाहे तो मिट्टी में लगा डायरेक्ट करते कि ज़मीन पर लगा सकते हैं। तो जैसे ही आपको लुक मेंटेन करना है गार्डन में, वैसे ही बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो एक ग्लास का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावरिंग चल रही है डॉग फ्लावर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।